YouTube वीडियो का थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके के डार्क थंबनेल्स डिजाइन करना चाहते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टेक्स्टीज हैं इनको यूज करके एक अच्छा और यूनिक थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस की नीड होने वाली है। पहली एप्लीकेशन है इमेज सर्च, जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री फोटोज डाउनलोड कर पाओगे। एंड सेकंड एप्लीकेशन है पिक्सेल ऐप, जिसमें आप थंबनेल डिजाइन करने वाले हो। सबसे पहले आपको इमेज सर्च एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जिससे भी रिलेटेड आपको फोटो चाहिए। जैसे मुझे ब्रेन से रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर ब्रेन टाइप कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को कॉपीराइट फ्री फोटोज मिल चुकी हैं ब्रेन से रिलेटेड। आप देख सकते हो जैसी फ़ोटो आपको चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इमेज की जो साइज़ है वो थंबनेल की कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं YouTube थंबनेल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये जो YouTube का थंबनेल का जो रेशियो है वो हो चुका है। अब यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके इसके से जैसे मैं क्लिक करूँगा कलर्स आ जाते हैं और कलर मुझे चाहिए ब्लैक, तो यहाँ से मैं कलर लेने वाला हूँ ब्लैक कलर मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ साइड में तो यहाँ पर ब्लैक कलर मिल चुका है, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब मैं एक फ़ोटो लेने वाला हूँ जो मैंने डाउनलोड की थी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फ्रॉम गैलरी के ऊपर चले जाता हूँ और यहाँ से मैं फ़ोटो ले लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड अभी की थी। तो उसके लिए मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है उसी एप्लीकेशन से की है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसकी साइज़ इतनी कर देता हूँ। देन आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को यहाँ पर रख के यहाँ पर आके इसको लॉक कर देना है ताकि ये यहाँ से हिले ना। आपका थंबनेल इतना हो चुका है। अब आपको यहाँ पर टेक्स्टीज लिखने होते हैं जो आप लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कुछ लिखने वाला हूँ। जैसे ब्रेन से रिलेटेड मैंने लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिमाग को तेज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, टेस्ट के ऊपर जाने से पहले जो मैं फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाने वाला हूँ वो आपको डाउनलोड करने होंगे। उनको बोलते हैं कृतिदेव फ़ॉन्ट्स, तो वो आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हो, उसके लिए वो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ॉन्ट्स दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड करने के बाद पिक्सेल लैब में ऐड करने के बाद आपके क्या करना होगा और आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आगे की प्रोसेस ये रहेगी, आपको गूगल के ऊपर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है। खाली एक चीज़ सर्च करनी है, वो है उसके बाद ऐसे कुछ वेबसाइट्स आएंगी, तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाना, आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगी। जैसे मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ दिमाग, मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हो कृतिदेव टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको यहाँ से कॉपी कर ले, तो मैं टेक्स्ट को कॉपी करके आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर प्लस आइकन के ऊपर जाता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर लेके आता हूँ और इसमें मैं जो है वो ए के ऊपर नीचे आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एडिट के ऊपर जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ ओके करूँगा। ओके करने के बाद ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ चुका है। अब जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं और इसमें ऐड कर रखे हैं कृतिदेव फ़ॉन्ट्स, उनको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ॉन्ट के ऊपर जाके। आप देख सकते हो ये रहे फ़ॉन्ट, माई फ़ॉन्ट्स में चले जाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। मैंने वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला फ़ॉन्ट था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर आप टैप करोगे, नीचे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं इसमें से आपको साइड में आना है और आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये रहा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं इसके ब्रेन में ये बिल्कुल ऑरेंज और रेड कलर जो है ऐसा ही कलर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मैंने कर रखा है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जैसे ही हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ऐसा करने के बाद आपको नीचे और कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो मैं एक बार जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो सेम इसी तरीके से मैंने ये नीचे लिख दिया है, दिमाग की ताकत बढ़ेगी सिर्फ 30 दिन रोज़, इतना मैंने डाल दिया है। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो और एडिटिंग इसमें करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ही आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाता हूँ और एक शैडो इफेक्ट जो है वो वहाँ से लेके आता हूँ। शैडो इफेक्ट भी आपको उसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इमेज सर्च वाली एप्लीकेशन में। तो मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ
और इसका कलर भी हम ऐसा ही ऑरेंज ऑरेंज कर देते हैं, ऐसा हमने कर दिया है। अब इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और जिस तरीके से आप सेट करना चाहो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर इतना कर देता हूँ, इसकी गर्दन में थोड़ा थोड़ा कलर दिखाई दे, इस तरीके से सेट हो चुका है, ऐसा हो गया है। अगर आप इसमें कुछ और करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये सिंपल थंबनेल और ये अट्रैक्टिव थंबनेल लगने लगा है। इस तरीके से आप इस तरीके के थंबनेल डिज़ाइन कर पाओगे बड़े ईजिली से। बट आपको अगर ऐसे फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं तो इनको कृतिदेव फ़ॉन्ट्स बोला जाता है। आप YouTube के ऊपर वीडियो देख लेना कि पिक्सेल ऐप में कृतिदेव फ़ॉन्ट्स किस तरीके से ऐड किए जाएँ, आपको ढेर सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख के कर सकते हो।